जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कि कुछ लोगों की बहुत बड़ी समस्या होती है कि उनको एक तो जल्दी थकान हो जाती है, जब वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं उसके बाद में भी उनको थकान होती रहती है, हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं। तो इसी का निवारण इस वीडियो में होने वाला है। ये मान के चलिए कि अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपकी जो थकान की समस्या है उसका निवारण बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। तो पहली चीज़ है कि हमें थकान क्यों लगती है। आप सभी जानते होंगे कि अगर शरीर में किसी पदार्थ की किसी की मात्रा कम है तभी लगती होगी थकान, लेकिन है किसकी मात्रा कम? तो ये होती है एक तो आयरन की मात्रा और विटामिन्स की, जो विटामिन होते हैं हमारे उनकी और आयरन की मात्रा अगर आपके शरीर में कम है तो आपको जल्दी थकान होगी और आप थके हुए आलस्य महसूस करेंगे। तो आपको ये भी मालूम पड़ गया कि आयरन और विटामिन्स की सहायता से हम शरीर का जो थकान कर होने की समस्या है उसका निवारण कर सकते हैं। अब अगली बात करते हैं कि विटामिन और जो आयरन है वो हमें किस पदार्थ खाद्य पदार्थ में मिलेगा। तो आप इसमें ले सकते हैं, सबसे जो पहला और महत्वपूर्ण है जिसमें अधिकतर आयरन की मात्रा होती है वो है पालक। तो आप पालक की सब्जी खाते हैं, हरी पालक आप सेवन करते हैं तो आपको उससे आयरन की अधिक मात्रा मिलेगी, तो आपकी थकान वाली समस्या उसका निवारण होगा। इसके बाद में जो दूसरा है उसमें आप ले सकते हैं अंडे, अगर आपके पास, क्योंकि आज गांव में हो तो आपके पास अंडे नहीं है, तो आप जो सफ़ेद चने आते हैं हमारे गाँव में होते हैं आप वो चने ले सकते हैं, उन्हें भिगोइए और खाइए। ये हो गया आयरन और विटामिन्स। विटामिन्स जो होता है उसका निवारण आप कर सकते हैं अंडे खाकर चने खाकर, तो ये उसका भी निवारण हो गया। अब जो महत्वपूर्ण आपको जानकारी देने वाला हूँ कि आपने खा भी लिया है, क्या खाया है ये भी मालूम है, लेकिन जो अगली समस्या होती है वो क्या होती है कि लोग खाते बहुत हैं, बहुत कुछ खा लिया, इतना प्रोटीन खा लिया, इतना आयरन खा लिया, इतनी विटामिन्स खा लिया, लेकिन उसके बावजूद भी शरीर में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उसका जो मेन कारण है कि हम, आप खुद ही सोचिए कि अगर आप खाएंगे, खाते रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं तो कुछ काम का नहीं है। तो जितना खाते हैं थोड़ा बहुत आपको करना तो पड़ेगा, तो आप उसके लिए एक्सरसाइज करना होगा आपको। उससे पहले आप क्या करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, अपने आप को जॉगिंग करेंगे, कम से कम 20 से 30 मिनट आप जॉगिंग कीजिए या रनिंग कीजिए, वार्म अप कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, उससे भी आपके शरीर के जो अंग हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा, तो वो जो आपने खाया है वो लगेगा। और जो आपको एक दो एक्सरसाइज बता देता हूँ जो आप रेगुलर फॉलो कीजिए, फिर भी आपकी जो थकान की समस्या है उसका निवारण हो जाएगा। तो वो क्या है कि आपको रूप एक्सरसाइज करना है। रूप एक्सरसाइज आपको सभी जानते हैं, रस्सी वाली, जिसको हम रस्सी को पकड़ते पकड़ते ऐसे मुट्ठी वाली ऐसे पकड़ते ऊपर की तरफ छड़ते हैं, उससे आपकी क्या होगी कि फुल बॉडी वर्कआउट में आती है वो, एकदम फुल बॉडी वर्कआउट एक्सरसाइज है जिसमें आपकी मजबूत जो हाथों की पकड़ है वो मजबूत होगी, आपकी ट्राइसेप, बाइसेप, बैक, चेस्ट, एब्स, ये सब कुछ उसमें ट्रेंड होता है। तो आपको वही एक्सरसाइज अधिक फॉलो करना है जिसमें पूरी बॉडी का वर्कआउट हो। और दूसरी एक्सरसाइज है जिसमें आप थोड़ा वजन ले सकते हैं अपने हाथों में या बैग में, घर पर हैं तो बैग ले सकते हैं या किसी भी कट्टे में या किसी भी में, मान लीजिए आप मिट्टी डाल सकते हैं, कुछ भी वजनदार आपको लेना है, और आप क्या करेंगे उसे अपने हाथों में पकड़ेंगे और आप दंड बैठक लगाएंगे। इन दो एक्सरसाइज आपको करेंगे तो आपकी जो थकान वाली समस्या है उसका निवारण हो जाएगा। तो मैंने आपको दो दो एक्सरसाइज बताई है, दो दो चीज़ें बताई, उनका आप नियमित रूप से फॉलो कीजिए, आपकी थकान की समस्या का निवारण हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।